कई कई प्रकार के ब्रजवासी होते। एक ब्रजवासी वो होते हैं जिनका जन्म ब्रज में हुआ पर रहते बाहर हैं। एक वो ब्रजवासी होते हैं जिनका जन्म बाहर हुआ पर रहते ब्रज में है। पर एक वो भी हैं जिनका न जन्म ब्रज में हुआ न रहते ब्रज में है, लेकिन वृंदावन उनमें रहता है, ब्रज उनमें रहता है। वो जहाँ रहें लेकिन वो ब्रजधाम के ठाकुर गोविंद उनके हृदय में विराजमान रहते हैं। ऐसा प्रेम है। देखिए, प्रेम बड़ा ही प्यारा शब्द है, बहुत प्यारा शब्द है। वो अलग बात है कि आज कलयुगी प्रभाव से इस प्रेम को बहुत दूषित कर दिया गया है, बहुत दूषित कर दिया है। प्रेम का मतलब कुछ और ही निकाल दिया हमने। दिन भर हम लोगों से कहते हम आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, हम आपसे बड़ा प्रेम करते हैं। आज का प्रेम तो बस इतना ही है, सुबह तक आई लव यू, शाम को आई लीव यू, ये आज के लोगों का प्रेम है। पर उनको ये नहीं पता कि भैया प्रेम क्या इतनी सस्ती चीज है कि किसी इंसान से हो जाए। इंसान से स्वार्थ हो सकता है पर प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम तो केवल और केवल विशुद्ध वस्तु है। प्रेम जहां अपने सुख का तृण मात्र भी भाव न हो, अपने सुख के बारे में सोचना ही नहीं, केवल उनके सुख के बारे में सोचना, वो प्रेम है। तो ब्रज के लोग जो है ना, ये भगवान से स्वार्थ नहीं करते। कहीं ना कहीं हम अगर भगवान की आरती कर रहे हैं तो हमें पता है कि वो भगवान है, इसलिए कर रहे हैं। लेकिन ब्रजवासियों को तो पता भी नहीं था कि ये कृष्ण जो उनके साथ खेल रहा है ये भगवान है, फिर भी निष्काम प्रेम किया, किसी प्रकार की आशा नहीं रखी, कुछ नहीं मांगा भगवान से, कोई मांग नहीं, कोई इच्छा नहीं। यही प्रेम में होता है। प्रेम में लिया नहीं जाता कुछ भी, प्रेम में बस दिया ही दिया जाता है। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।